स्कूलों में मध्याह्न भोजन में अनियमितता पाए जाने पर दिए आवश्यक सुझाव, लगाई फटकार। झाबुआ कलेक्टर ने किया जकनादा क्षेत्र स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण। झाबुआ कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह का झाबुआ जिले के बोलासा, सेमरोड, बोरिया, झकनादा, गुलारीपाड़ा, भीरूपाड़ा स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहीं ग्राम बोरिया में नल जल योजना का जायजा लिया व ग्राम बोरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना प्राप्त हितग्राहियों से जानकारी भी ली कि किश्त टाइम पर मिल रही है कि नहीं। बाद ग्राम गुलरीपाड़ा में शासकीय स्कूल में पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां करीब 3 माह से स्कूली छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन नहीं मिलने पर कलेक्टर ने दिए जिम्मेदार को आवश्यक दिशा निर्देश कि तत्काल बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाएं। जकनादा शासकीय उत्कृष्ट बालक प्राथमिक विद्यालय जकनादा में भी कलेक्टर ने स्कूल का निरीक्षण कर शिक्षक की प्रशंसा की। वहीं कई स्कूलों में मध्याह्न भोजन को कलेक्टर ने स्वयं चखकर देखा। हाई सेकेंडरी में कई संख्या ऐसी स्थिति में अतिथि पे चल रहे हैं या बंद होने के कगार पे हैं? नहीं नहीं, अतिथि तो हम हर जगह, शिक्षा की कमी जहाँ पे भी अतिथि की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो अब जो परमानेंट शिक्षक तो नए, तो भर्ती जब होंगे तब उसकी पूर्ति होगी। अभी जितने हैं उतने हैं, बाकी सब जगह हम अतिथि की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कहीं अतिथि भी ना हो आप बता दीजिए, वो उसका पूरा प्रोविजन है कि अतिथि हर जगह कम से कम रख लीजिए और जो भी नॉर्म्स हैं, जो गुणवत्ता के, वो रखे जाए। भवन का जो मैम छत जो है वो पुरानी, वो टीन शेड वाली है, तो वो पूरी गिर गई। मरम्मत की स्थिति है, नया बनना है, हम प्रस्ताव भेज देंगे, बात भी करेंगे भोपाल में और प्रयास करेंगे जल्दी सैंक्शन हो जाए नया भवन। हाँ यहाँ का ग्राम पंचायत हमारे साथ जुड़े हैं झाबुआ कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह। जैसा कि आप निरंतर इस जिले की स्कूलों का निरीक्षण कर रही हैं और अन्य स्कूलें भी कई देखी, उसके अलावा आपने झकनादा भी स्कूल देखी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है सारे शिक्षकों का और मैंने संभवतः पहला इस जिले में पहला स्कूल देखा होगा जहाँ बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की व्यवस्थाएँ कर रखी है। बच्चों का मेंटल लेवल भी अच्छा है, उनका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है और इसके लिए मैं स्कूल के सारे टीचर्स का धन्यवाद करती हूँ। हम प्रयास करेंगे कि स्कूल में जो भी और आवश्यकताएं हैं बच्चों की शिक्षा के लिए उसका व्यवस्था कर सकें। एक पास में हाई सेकेंडरी स्कूल भी है जो भवन बिल्कुल जर्जर हो चुका है मैडम, उसके लिए आपका क्या कहना है और क्या प्रयास रहेंगे? आपने विषय संज्ञान में लाया है, मुख्य महोदय बता रहे हैं कि उन्होंने पहले भी प्रस्ताव भेजा हुआ है, तो हम शासन को प्रस्ताव भेजेंगे कि नई बिल्डिंग सैंक्शन हो जाए और इसके लिए नया भवन बना पाए।